नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर मुरैना से है। मुरैना पुलिस की मिली बड़ी सफलता, 22,65,000 रुपए और 20 मोबाइल किए जब्त। मुरैना पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन पर जुआ और सटारियों का धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारमस्य में मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि शहनाई गार्डन के सामने बने हुए मकान के पीछे जुआ चल रहा है। उक्त सूचना का थाना सिविल लाइन विनय यादव ने पालन करते हुए मैं फोर्स के साथ जोरा रोड पहुंचे तो देखा कि मुखबिर के द्वारा बताए हुए स्थान पर एक मकान के पीछे 10 से 15 लोग ताश के पत्तों की बाजी लगा रहे थे। उक्त स्थान को घेर कर चारों ओर से पुलिस के द्वारा दबिश दी गई तो 11 लोग ताश के पत्तों से जुआ खेलते हुए पकड़े गए। उनके सामने से 22,65,000 की रकम एवं 3 ताश की गड्डी और 20 मोबाइल मौके से बरामद किए गए। मौके पर जुआरियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गई है। प्राइम न्यूज 24 के लिए मुरैना से राजवीर कुशवाहा की रिपोर्ट। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी टीआई साहब को कि कुछ लोग जो है शहनाई गार्डन के सामने एक मकान के बगल में बड़े लेवल का जुआ खेल रहे हैं और कम से कम 10 से 15 लोगों की सूचना थी। इस पर से एक टीम गठित करके जो है घेराबंदी की गई क्षेत्र की और जब दबिश दी गई तो वहाँ से 11 जो लोग हैं वो जुआ खेलते हुए पकड़े गए। टोटल जो नकदी है इनके पास और टोटल 22,65,000 रुपए की नकदी बरामद हुई। साथ ही साथ में 20 मोबाइल जब्त हुए जिसमें से कि आईफोन, वीवो और सभी टाइप के फोन बरामद हुए। और ये बड़ी कार्रवाई के लिए जो उल्लेखनीय भूमिका है, सराहनीय भूमिका है, ये थाना पुलिस लाइन की टीम ने बहुत ही अच्छी कार्रवाई करी है। इसमें मेन श्रेय जाता है टीआई विनय यादव, उपनिरीक्षक मेघा सोनी, रामंत्र गुप्ता, चेतन सिंह करारिया, सवर्ण लक्ष्मण सिंह, आरक्षक गजेंद्र सिंह और आरक्षक जितेंद्र सिंह, जिनके द्वारा सूचना या मुखबिर डेवलप की गई। तो ये जो सफलता है इसके लिए सबको बधाई, थाना सिविल लाइन क्षेत्र को बधाई। इस तरह कार्रवाई की जा रही है। अब इसमें जो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, जो हमारे वैधानिक कार्रवाई है उसके अंतर्गत की जाएगी। फोन जो है जब्त किए जाएंगे और कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे और लीगल जो हमारे पास धाराएं उसी के अंतर्गत।